में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने को अब चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समर्थन मिला है। दिल्ली में इन चार मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखे सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में पिछले चार महीने से काम बंद है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी विवाद है उसे खत्म किया जाए, दिल्ली के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली के एलजी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें मिलने के लिए वक्त नहीं दिया गया। में 2 करोड़ का करीब जनता है, उसका पूरा काम 4 महीने से बंद होकर पड़ा है। इससे दिक्कत बात और कोई नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर कोई टाइम मांगे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से, आज 6 मिनट का टाइम भी वक्त भी नहीं निकाला थोड़ा भेंट करने के लिए, तो क्या होगा? किसका दरवाजा खटखटाएगा? उसका टॉप लीडर कौन है? चीफ मिनिस्टर का पास गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो 6 मिनट का 6 सेकंड का टाइम भी नहीं मिला। ये तो आपस में बैठ के सॉल्व कर देना चाहिए, इतना दिन क्यों लगा? आप 6 दिन से देखिए स्टेलमेट जैसा हो गया है। हम लोग तो चाहते हैं इसको एंड हो, इसको खत्म हो। आज दिल्ली में फिर पावर क्राइसिस अगर हो तो किसका गलती होगा? आज दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो तो इसमें अगर मीटिंग करे और मीटिंग ठीक से सफल ना हो तो एक्चुअल पब्लिक का ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, पब्लिक सबसे बड़ा फेस करता है। तो इसी के लिए हम लोग चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। डेमोक्रेसी में कोई पॉलिटिकल पार्टी का ईंधन पे ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होना चाहिए, जो पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए कोई देश का सरकार को भुगतना पड़े और जनता को भुगतना पड़े। इससे तो इंतजार करना ठीक है, जब इलेक्शन होगा दिल्ली का लोग अगर पसंद करेगा तो दिल्ली गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट आएगा, अगर नहीं पसंद करेगा तो जाएगा। जनता को ऊपर छोड़ दो ना। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। चारों मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने मिलने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद चारों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की। केजरीवाल की पत्नी ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें हैं। The Chief Minister.